पीलीभीत के पूरनपुर में शाम को व्यापारी वेद खंडेलवाल पुत्र रामचरण लाल खंडेलवाल दुकान बंद करके अपने पुत्र के साथ घर जा रहे थे। तभी अचानक बाइक सवार तीन बदमाश आए और रुपए से भरा थैला छीनने लगे और जब वेद खंडेलवाल व उसके पुत्र ने विरोध किया तो बाइक सवार बदमाशों ने इन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे व्यापारी का हाथ कट गया। और फिर जब लड़के ने एक बाइक सवार को धक्का दिया तो दूसरे ने फायर चला दिया और वो भाग गए। तभी लड़के ने अपने पिता वेद खंडेलवाल को पूरनपुर CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया। मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिस कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और दावा किया है कि जल्द से जल्द शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हमारी दुकान शेरपुर रोड पर किराने की, हम दुकान बढ़ा रहे थे, तीन गुंडे आए, एक उन्होंने अपना जो है दो लोगों पीछे बैठे थे, एक चला रहा था, दो लोगों पीछे थैला छीना हमारे यहाँ से, पापा का थैला छीना और तुरंत उसके बाद में पापा ने नहीं छोड़ा तो उन्होंने चाकू मारा और दूसरे ने फायर करा, लूट पाट करने की कोशिश की, गाली गलौज दी और धक्का दिया और लूटने की कोशिश करी। इतनी देर में हम मतलब तीनों ने बहुत अपनी वो करने की कोशिश करी बचाने की और उन्हें एक को तो भगा दिया, एक को धक्का देकर भगाया और दूसरे दो लोग थे बहुत तेज़ी से हावी हो गए थे, एक ने फायर करा तो उससे बाबर बचे और घायल भी हो गए और बहुत जख्मी कर गए हम लोग। जैसा कि ये बता रहे हैं और पुलिस ने भी बताया, कोई लूट का मामला है जिसमें हमारे पास एक सुनार जिनका नाम वेद प्रकाश खंडेलवाल है, वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में तीन लुटेरों ने इनके ऊपर हमला किया, इनका बैग छीनने के लिए, बैग तो नहीं छीन पाए लेकिन इनके हाथ पे किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे इनके हाथ की नस भी कट गई है जो हमें लग रहा है, इसलिए हमने इनका फर्स्ट एड करके इनके ऊपर किया।